हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से अपनी बालकनी गार्डन का वीडियो लेकर आई हूँ। और ये रहा मेरा बालकनी गार्डन। और इस बार मैं आपके साथ समर टिप शेयर करूँगी कि समर्स में इतनी गर्मी में अपनी बालकनी कैसे ये ग्रीन ऐसे ऐसा हरा भरा सा और फुल ऑफ फ्लावर्स रखें। कौन कौन से फ्लावर हम समर्स में लगा सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं गुड़हल से। प्यारे प्यारे गुड़हल से, ये समर्स के लिए बेस्ट पौधा है। ये देखिए, इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं और इसको आप कभी कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, और समर्स में आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी कर सके। और ऐसे पौधे का समर्स में चलते हैं जो ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब कर सकें, जैसे कि कोलियस है, इसको धूप बहुत पसंद है। इसको मैंने सेल्फ वाटरिंग डिब्बे में प्लांट कर रखा है। यहाँ से मैं इसको पानी डाल देती हूँ। ये सेल्फ वाटरिंग कैन है, मैंने बनाया था DIY से। और अगर कमेंट करिएगा आपको कुछ इसके टिप्स चाहिए तो मैं आपको पक्का शेयर करूँगी इसके बारे में। ये है, ये फ्लावर का सीज़न अभी बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं चल पाएगा, ये जला जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी चल रहा है क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, अप्रैल चल रहा है। ये बहुत बेस्ट पौधा है समर्स के लिए, ये इसको चांदी कहते हैं। फ्लावर आए ना आए, लेकिन इतने सुंदर सुंदर इसमें देखिए बर्ड्स बन रहे हैं और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा होती है इससे। ये देखिए, बर्ड्स बहुत बन रहे हैं। इसको मेनली सनलाइट चाहिए, ऐसे पौधे हैं इन लोगों को सनलाइट पसंद है। तो अब सनलाइट में इनको आप भरपूर, जितनी आप सनलाइट इनको दे सकते हो उनका दीजिए, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। केयर ज़्यादा कुछ नहीं करनी, क्योंकि मेरा बालकनी में रखा है। आप इसको अगर टेरेस पे रखेंगे तो और अच्छा रिजल्ट देगा। ये है रात रानी। ये सारे ऐसे पौधे हैं कि आप एक बार लगा लीजिए तो आप सालों साल आप फ्री हो जाएंगे, बार बार आपको गार्डनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, रात रानी, रात में इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है बालकनी से। एक ये पीछे है, परमानेंट पौधा है, नई नई पत्तियाँ इसमें आ रही हैं। ये भी फ्लावर का है, गैस फ्लावर आएगा मैं आपको शो करूँगी। ये पीछे ये रोज़ का है, रोज़ भी ऑल टाइम का प्लांट है, विंटर समर रेनी सीजन। एक बार आप रोज़ कलेक्ट कर लीजिए, मेरे पास तो कलेक्शन है येलो का, ऑरेंज का, रेड का, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रोज़, ये थोड़ा लाइट पिंकिश है पर बड़ा होते ही ये वाइट हो जाता है। ये सब समर्स में आप बेस्ट लगा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये मधुमालती जा रही है, क्योंकि ये आप इसके जब सूखी सूखी टहनियाँ भी आप देख रहे होंगे, ये नेक्स्ट सीज़न जब जाता है तो ये सूख जाती है, फिर इसमें नए नए पत्तियाँ आने शुरू हो जाती है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि जब ये सूखती तब है जब विंटर होता है, विंटर में हमें धूप चाहिए होती है तो ये पूरा क्लीन हो जाता है, और समर्स में छांव चाहिए होता है तो ये पत्तों से भर जाता है। ये मैजिकल प्लेट है मधुमालती। इसका गमला देखिए मैंने इतना नीचे रखा है, और ये अपने आप चढ़ते 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 वहाँ तक जा रही है। तो एक बार आप इसको लगा देंगे आपके गार्डन में ग्रीनरी तो रहेगी, खासा धूप भी कम आएगी, छांव पूरा देती है और इसको धूप बहुत पसंद है। जितना धूप रहेगा उतनी इसमें फ्लावरिंग आएगी। ये जेड प्लांट है, इसको भी सनलाइट बहुत पसंद है। एक बार आप लगाओ सालों साल चलेगा। इसको पानी नहीं पसंद ज़्यादा, इसको जब रेनी सीज़न होता है तब बचाना पड़ता है। एक ये है, ये भी एक चांदी का पेड़ है, फ्लावरिंग अभी स्टार्ट होगी इसमें। ये भी समर सीज़न का फ्लावर है। और साथ ही ये पर्पल हार्ट को भी धूप बहुत पसंद है, एक बार आप लगा लोगे आपके ग्रीनरी ग्रीनरी पूरी छाई रहेगी। ये मेरा डेकोरेशन है, मैंने बेलन से बनाया था, टूटे हुए बेलन से। ये मेरा DIY ऑयल कैन से। ये बालकनी टिप्स आप ले सकते हैं कुछ भी, जैसे
ये डिब्बा भी पानी का था, मैंने इसका यूज़ करके इसमें पर्पल हार्ट लगा लिया। ये भी एक कैन का डब्बा था, ऑयल कैन का, ये भी शायद कुछ सर्फ वर्फ का था, आई डोंट नो। इसको मैंने यूज़ करके यहाँ बढ़िया ग्रीनरी हो रखी है। तो मेरे गार्डन फुल ग्रीन है, ग्रीनरी में कोई कमी नहीं है इसमें। और क्योंकि मैं ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे लगाई हूँ जो कि सालों साल रहते हैं, विंटर्स में थोड़े ही डल हो जाते हैं और समर्स आते ही पूरे खिल जाते हैं। ये आप देखिए मेरा बॉटल का मैंने यूज़ किया है, पेप्सी की बॉटल का। एक प्लांटर बना के मैंने उसमें स्नेक प्लांट लगाया है। मैं इसको अंदर बाहर कहीं भी रख देती हूँ क्योंकि ये शेड का प्लांट है, तो कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। ये सारे मेरे विंटर्स समर्स के प्लांट हैं। ये सब प्लांट पे एक बार आप इम्प्रेस कर दीजिए, फिर आपको टेंशन नहीं होती, आप इसको सालों साल इसको आप रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे, ये मैं अपने गांव में तोरी है, ये तोरी है, सूखी हुई तोरी है, इसके अंदर बीज भी है। मुझे जब चाहिए होगा बीज मैं ले लूँगी प्लांट करने के लिए। और मैंने इसको ना DIY से डेकोरेट कर रखा है गार्डन, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा लुक आता है मेरे गार्डन में इसको लगा के। ये दोनों आपको ऐसे दिखेंगे, दोनों एक दूसरे से भी लगता है नाराज़ हो रखे हैं, एक उधर मुँह कर रखा है एक उधर मुँह कर रखा है, साथ तो आ ही नहीं रहे। सो मेरे कैमरे में नहीं आ पा रहा है, सॉरी। एक ये मेरे बॉटल से प्लांट मैंने प्लांटर बना के मैंने कोलियस लगाया है, आप इसका लुक देखिए कितना अच्छा। आप इसकी कटिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ऐसे कट करके बीच में आप कोई भी प्लांट लगा दीजिए। कोलियस तो ऐसा प्लांट है कि आपके पास अगर एक बार आप लेके आते हो, आप 10 गमले या जितनी मर्जी आप गमले तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसका सिर्फ ये पार्ट एक टहनी आप तोड़ के टक्कर से आप कहीं भी लगा दीजिए तो ये लग जाता है। और देखने में सुंदर तो बहुत लगता है, पर यहाँ इसका धूप बहुत पसंद है तो समर्स में ये तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है। ये मेरा सीटिंग अरेंजमेंट गार्डन का, ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल है। ये प्लांटर है पास का, इसे मैंने पर्पल हार्ट लगा रखा है और ये सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखिए बाहर मैंने हैंगिंग गमले टांग रखे हैं। ये मेरा प्यारा सा प्लांटर है, मैंने इसको मतलब एक कोने में रख दिया है, इसको ज़्यादा ना धूप चाहिए ना कुछ, समर्स में भी चल जाता है विंटर्स में भी चल जाता है। ऐसे ऐसे प्लांट लेकर आने का फ़ायदा ये है कि एक बार इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आपकी ग्रीनरी हमेशा के लिए रहती है। ये मेरा लोटस खिला हुआ है, पीछे मेरे वो है बुद्धा की स्टैचू, कितनी ब्यूटीफुल लगता है। और इसके पीछे भी स्नेक प्लांट है, कितना प्यारा लुक आता है इसे। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने मेरा ये वाटरफॉल था और मैंने इसमें लाइन से वो लगा दिया है स्पाइडर प्लांट, क्योंकि स्पाइडर प्लांट भी आप एक लेके आते हो तो दुनिया भर के हो जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कहाँ कहाँ लगाओ। तो मैंने ऐसे से लगा कर ख़त्म करा है, लेकिन अभी बहुत है मेरे पास। आप गार्डन लवर्स, किसी गार्डन लवर्स को अगर चाहिए तो मैं बहुत सारे दे सकती हूँ। ये आप देख रहे हैं, जय राधे कृष्ण, यहाँ गणपति जी भी है। यहाँ मैं सुबह सुबह आके थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ गार्डन में ही। ये मेरा प्लांटर है, कितना क्यूट क्यूट, बर्ड प्लांटर, एलिफेंट प्लांटर, ये मैंने खुद बनाया है पेप्सी प्लांटर। ये प्लांटर कितना प्यारा है, आप देख रहे हैं इसका। ये देखिए, ये एक है सकुलेंट। सकुलेंट आपको पता ही होगा कि बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, बट ये मैंने कटिंग से लगाया। कटिंग कैसे करना है आपको, अगर ऐसे कुछ सकुलेंट लाते हैं उसका सिर्फ एक पंखुड़ी यहाँ से ऐसे तोड़ के कहीं भी आपको लगा देनी है। और ये मैंने सिर्फ एक पंखुड़ी लगाई थी और आप देखिए रिजल्ट।
मेरा स्नेक प्लांट, मेरे प्लांटर्स। प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, समर्स के मैं सबके नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगी और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये एक है कनेली, पिंक कनेल है, पिंक फ्लावर आता है इसमें। मुझे ये ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ये गमला बहुत छोटा है, इससे बहुत बड़ा प्लांट हो सकता है। ये आप देखिए, सबसे पहले पीछे आप ये मैंगो ट्री देखिए, इसमें प्यारे प्यारे मैंगो आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट प्लांट है क्योंकि इसमें बहुत टेस्टी मैंगो आते हैं। ये मेरे घर के पास भी है, इसकी देखिए कितनी प्यारी प्यारी पत्तियाँ हैं। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ये केज मैंने डेकोरेट कर रखा है। केज ला के आप थोड़ा सा डेकोरेशन पुरानी हो गई है, ला के आप डेकोरेट करके आप कहीं भी टांग दो, इनर में, एंट्रेंस में, बहुत ही ब्यूटीफुल आजकल ट्रेंड चल रहा है इसका। ये देखिए मेरा ये प्लांट है, कितना क्यूट है। इसका ये प्लांट देखिए कितना घना हो रखा है बाहर जाके। बेस्ट पार्ट मेरा आप देखिए, मेरा सीटिंग, मेरा स्विंग, जो कि मेरी बालकनी को एकदम चार चांद लगाता है। और मुझे ये बैठने के लिए मेरा बेस्ट प्लेस है पूरे घर का। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरा बालकनी गार्डन। और यकीन मानिए मुझे इसमें हार्डली 15-20 मिनट लगता है, या कभी कभी संडे को, या कभी किसी दिन मूड अच्छा हो रखा हो तब मैं टाइम ला देती हूँ, वरना मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो ही बना रही हूँ आप सबके सामने शेयर करने के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे। ये आप मेरा प्लांटर देखिए, इसमें मैंने पर्ल और स्ट्रिंग को बो रखा है, मोती को बो रखा है। जब ये मोती बड़ी बड़ी हो जाएगी ना, इसका एक हेयर का एक इल्यूजन आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। मैं तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी इसको। ये मेरा प्यारा प्यारा फ्लावर, समर्स के लिए सबसे बेस्ट फ्लावर, इसको जितनी भी धूप में रखो ये बहुत खुश रहता है। बट अभी ये यहाँ खुश नहीं है क्योंकि मैंने इसको एक कैन में लगा रखा है, कैन में इसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है बढ़ने के लिए, क्योंकि इसको जितना हैवी गमले में लगाओ उतना ये फैलने की इसको जगह मिलती है। इसके लिए बोट शेप गमला बेस्ट होता है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरे पास इसके 2-3 कलर हैं, बाकी टेरेस गार्डन में है। मैं आपके साथ किसी दिन टेरेस गार्डन का भी वीडियो शेयर करती हूँ, जल्दी शेयर करूँगी, वहाँ भी आपके समर गार्डन की टिप पक्का दूँगी। क्योंकि अब समर्स आ रही है, समर्स में गार्डन को ग्रीन रखना बहुत बड़ा टास्क होता है, खासकर छत पे तो और ज़्यादा, क्योंकि छत पे तो डायरेक्ट धूप पड़ती है। मैं पक्का आपके साथ शेयर करती हूँ जल्दी। तो हो फ्रेंड्स, आपको मेरा बालकनी गार्डन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय टू बालकनी गार्डन, फिर मिलते हैं, तब टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।